जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बुरी खबर के दौरान पूरे भारतवासियों के लिए आज का पूरा दिन बुरा साबित हुआ है, क्योंकि सबसे पहले 3:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा बेन का निधन हो गया। वहीं दूसरी ओर 25 वर्षीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का शुक्रवार सुबह 5:30 बजे रुड़की के पास एक्सीडेंट हो गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वह कार से अपने घर उत्तराखंड जा रहे थे। रुड़की के नारसरन बोर्ड पर हम्मदपुर झाल के मोड़ के पास उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर रेलिंग से जा भिड़ी। इस घटना के दौरान कार में आग लग गई और वह पलट गई। इस दौरान उत्तराखंड डीजी अशोक कुमार के मुताबिक पंत को गाड़ी चलाते समय झपकी आ गई थी, जिसके कारण वह कार पर कंट्रोल खो बैठे और इस घटना के दौरान पंत कार में अकेले थे। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद खिड़की तोड़कर वह बाहर निकले हैं। डॉक्टर के मुताबिक ऋषभ की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि उनके घुटने का ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्होंने इलाज के दौरान बताया कि अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि सीट बेल्ट नहीं लगी हुई थी, इसलिए वह सुरक्षित बाहर निकले हैं। अगर सीट बेल्ट पहने होते तो कार के अंदर ही वह झुलस जाते। सो दोस्तों, बेहद ही बुरी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।